जेल से बाहर आए केजरीवाल हाई जोश में हैं, लेकिन एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले स्वाति मालीवाल से मारपीट वाला मामला, और अब ईडी ने आम आदमी पार्टी को अगले आरोप पत्र में आरोपी बनाने की बात कह डाली है। आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में यह बताया कि अब पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सिसोदिया की जमानत को लेकर भी ईडी ने कोर्ट में कई बातें कही। कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दिल्ली शराब नीति केस में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी के वकील ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से कहा कि मामले की अगली चार्जशीट में हम ये करेंगे। ईडी ने मंगलवार 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत का विरोध भी किया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई सिर्फ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ट्रायल के दौरान उनसे कोई सवाल होते ही नहीं है। सिसोदिया की 8 मई को हुई पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई के वकीलों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से कहा था कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त चाहिए। 3 मई की सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही सिसोदिया को बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दे दी थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई। उधर दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।